सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फिजवस के बारे में। फिजवस का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन है मैंने उठाया है ये हैकर रैंक से। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन विगनर्स के लिए, ठीक है। #3 वीडियो है ये जावा के ऊपर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें उसने पूछा है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है या कि इंटीजर है जो कि आई है, जिसको हम आई मान रहे हैं, और इसकी जो रेंज है वो 1 to n के बीच में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 15 है, साइन करी गई है इनपुट में, और आउटपुट कुछ इस तरह का आना चाहिए। तो हम इस आउटपुट को पाने के लिए क्या क्या चीज़, क्या क्या मेथड्स का अप्लाई करेंगे वो हम सीखते हैं। पहले देखिए, अभी इन्होंने क्या कंडीशन पूछी है कि इफ़ आई इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ, यानी कि 3 और 5 से कोई मल्टीप्लाई होकर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो प्रिंट हो जाना चाहिए फिजबस। अगर ऐसा नहीं है, अगर अकेला 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है पर 5 से नहीं हो रहा है नंबर, तो वो फिज होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया मेथड मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपना आईडी खोल लेता हूँ जो कि है इंटेलीजे का। अब यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन करी है जिसका नाम मैंने रिजल्ट रखा है, और यहाँ पे मेथड के अंदर इंट जो कि वैल्यू एन, जो कि यहाँ पे हमें बताई गई थी कि हमें एन चूज़ करनी है, तो उसके लिए मैंने उसके मेथड में एन ही इंटीजर टाइप का एरे जो है डिफाइन कर दिया। एरे नहीं, मतलब मेथड में इसको असाइन किया मैंने, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए। अब यहाँ पे हमें जो एन है, जो कि इनपुट है, वो 15 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे इनपुट भी 15 ही मानने वाले हैं। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले फोर लूप चला देते हैं, जो कि इंट आई इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि 1 से लेके 15 तक की सारी वैल्यूज़ आ जाए, ठीक है, इज इक्वल टू 15। सो 15 भी हमें इंक्लूड करना है, इसलिए इज इक्वल टू 15 किया मैंने। अब यहाँ पे हम आई प्लस प्लस लगा देंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए, समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे ही फोर लूप हमने लगाया, फोर लूप का काम क्या है, इंक्रीमेंट करना आई, जो हम वैल्यू साइन करेंगे उसको इंक्रीमेंट करना बाय 1। आई प्लस प्लस का मतलब ये, ठीक है। और 1 के बाद 2, फिर 3, यानी कि 15 टाइम हमें आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट में यहाँ पे ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 ये सारा जो है 15 टाइम्स है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए आउटपुट में 1, फिर 2, फिर फिज, यानी कि कंडीशन लगाएंगे, जो कि कंडीशन यहाँ पे गिवन थी कि आई इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। ओके, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सीधी सी बात, हमें यहाँ पे इफ़ एल्स लगा देनी है कि इफ़ आई इज़ डिविजिबल बाय, यानी कि मॉडुलस 15 इक्वल टू इक्वल 0, अगर कोई वैल्यू आई जो कि वैल्यू 1 आएगी सबसे पहले, अगर वो इक्वल टू 0 के है तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। यहाँ पे अकेला प्रिंट रखता हूँ फिज बस। अब ये मैंने क्यों लिखा ऐसे, ये आपको भी समझ में आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप एक चीज़ देखें आउटपुट में, हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले वो चीज़ देखनी होती है, फिर मेथड में आना, फिर देखना, फिर आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट का पता लगेगा कि हमें चाहिए क्या एक्चुअल में। इन्होंने बोला है कि अगर कोई चीज़ 3 और 5 से मल्टीप्लाई है, यानी कि हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो फिज बस हमारा हो जाए। अगर इफ़ आई इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, ठीक है, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, वैल्यू आई, ठीक है। मैं कंसेप्ट समझ रहा हूँ, 2 मिनट। ओके, सो हाँ, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस वक्त हमने यहाँ पे 15 क्यों लिया, क्योंकि हमें सबसे पहले ये जो फोर लूप हमने चलाया इसको साइन करने के लिए, इसको यहाँ पे 15 वैल्यू प्रोवाइड करी कि ताकि कोई भी वैल्यू आई की अगर इक्वल टू कोई 0 है पहले वही प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, उसमें फ्रीज फ्रीज बस जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। अब हम आगे आते हैं एल्स इफ। अब यहाँ पे मैं, अगर कोई चीज़ 5 से डिवाइड हो जा रही है और उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, सो क्या हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास आनी चाहिए बस। जैसा आउटपुट हमें यहाँ पे है वैसे ही हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। बस की स्पेलिंग V कैपिटल, VU,
डबल जेड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है कि हमें बोथ थ्री, अगर कोई चीज़ थ्री से मल्टीप्लाई हो जा रही है, अगर इफ एल्स इफ आई इज विजिबल बाय थ्री को लिखो, उसका रिमाइंडर जो है वो जीरो आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाना चाहिए। क्या था आउटपुट? इफ आई इज मल्टीपल ऑफ थ्री फिज, अगर फिजी है ना, देखते हैं अभी। यस, हमारे पास अब फिज यहाँ पे आएगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हमारे पास यहाँ पे फिज आएगी वैल्यू, ओनली फिज। ओके, अब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ रह गई है जो कि हमें यहाँ पे मेंशन करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे क्या चाहिए? इंटीजर्स टाइप भी चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे हम, जिसमें हम प्रिंट करवा देंगे आई को। यस, आई हमारे पास वन टू, हाँ यस, हमें यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट चलानी है, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमें यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में यहाँ पे हमें सिर्फ आई प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हम प्रिंट एल एन की जगह, चलो प्रिंट भी ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लाइन में करवाएंगे प्रिंट, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास, अभी इसको हम डबल कोलन्स के अंदर। ओके, अब हमारा जो सोल्यूशन है वो शायद से आ जाए, ठीक ठीक देखते हैं एक बार, इसे रन करके बिल्ड करते हैं। सो, जैसे मैं इसे रन करता हूँ, हमारे पास आउटपुट जो आता है देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे आउटपुट कुछ अजीब सा आ रहा है कि 1 2 फिज 4, फिर वज फिज 7। ये बिल्कुल भी सही आउटपुट नहीं, क्योंकि हमें चाहिए 1 2 फिज फिर 4। देखते हैं क्या गलती की हमने। ओके, तो यहाँ पे हमें स्लैश एन लगाना है, लाइक फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइन के लिए, क्योंकि ये फिज और 4 साथ में आ गए हैं, यहाँ पे हम स्लैश एन लगाते हैं नेक्स्ट लाइन। अब देखते हैं इसे रन करके। सो स्लैश इन एक्चुअल में हमने गलत लगाया, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ये आप ध्यान रखना, ये जो स्लैश है मैं हमेशा भूलता होता हूँ, तो आपको ऐसे ही ऐसी स्लैश यूज़ करनी है हमेशा। अब इसे हम करके देखते हैं रन। ओके, सो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही आउटपुट है। अगर आपको ये कोड चाहिए, ठीक है, इसको कोड को अगर आपको चाहिए तो मैंने ये साइट प्रोवाइड करी है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज द कोड 1 2 फिज 4 वज फिज 7 8 फिज वज, देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। 1, अगर कोई गलती रह जाती तो हम देख लेंगे। 4, ओके। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर जाना। तब तक लिखते हैं, हैव नाइस।